नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो आप वीडियो पर शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल इनकम देख सकते हैं कि 50,000 करोड़ के आसपास है कंपनी का एज ऑन दिसंबर 2021। वहीं अगर मैं सितंबर क्वार्टर की बात करूं तो 47,978 करोड़ का टोटल इनकम था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि 4% का ही सिर्फ ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। वहीं दोस्तों, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था 9,624 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 9,769 करोड़ हो गया। तो सिर्फ 2% का ही कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ है नेट प्रॉफिट में। और दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है, 20% के आसपास का जो है कंपनी का वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और वहीं ईपीएस की बात करें तो ये लास्ट क्वार्टर में 26.02 था अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज होकर 26.41 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट्स है वो कंपनी के बिल्कुल, मुझे मतलब यहाँ पे ओके ओके लग रहा है, क्योंकि कंपनी ने कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाया, सिर्फ 2% का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर मतलब कि यहाँ पे अप्रैल से लेकर हम दिसंबर की बात क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो इनकम था कंपनी का 1,44,200 था एज ऑन दिसंबर 2021। और वहीं कंपनी का जो 2020 में जो कंपनी का दिसंबर 2020 में जो टोटल इनकम था वो था 1,22,675 करोड़। तो यहाँ पे 80% का हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये इंक्रीज 23,184 करोड़ से इंक्रीज होकर 28,401 करोड़ हो गया। तो 23% का ग्रोथ कंपनी का देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 19-20% के आसपास है। और कंपनी का जो ईपीएस है वो 61.79 था, वो इंक्रीज होकर 76.77 हो गया। तो यहाँ पे जो कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पूरे 9 महीने के, उसमें हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कंपनी के रिजल्ट है उसमें इतना ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिल रहा, सिर्फ 2% का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट का है वो ग्रोथ दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सितंबर तक के ही नंबर अपडेटेड है, दिसंबर के भी आना बाकी है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 72% की है। और आप देखोगे कि दिसंबर 2020 के पास जो है मार्च और जू मार्च में जो कंपनी ने अपने प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज की हुई है 72.19। और वही फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 15.37% की है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे FIS जो है वो लगातार जो है अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। लास्ट 3 to 4 क्वार्टर, पहले 16 थी, फिर 15.88, फिर 15.62, 15.43, फिर 15.37। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अपना लगातार डिक्रीज कर रहे हैं होल्डिंग। और वहीं DIS की जो होल्डिंग है वो अराउंड ऑलमोस्ट सेम लेवल है, जो 8% के आसपास की है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 4.51% की है। अभी दोस्तों, कंपनी के ओवरऑल रिटर्न देख लेते हैं कि वो कैसे है। तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आज ये 1.5% जो है शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं आए थे, इसलिए कंपनी का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट 5 डेज की बात करूँ तो सिर्फ 1% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लास्ट वन मंथ में 7% का ग्रोथ है, लास्ट 6 मंथ्स में 21% का ग्रोथ है, लास्ट 1 ईयर में कंपनी का 22% का ग्रोथ है। तो कंपनी ने जो लास्ट 1 ईयर में सिर्फ 22% का ही ग्रोथ दिखाया हुआ है। ज्यादा ग्रोथ जो है, या ज्यादा रिटर्न हम बोल सकते हैं कि ज्यादा रिटर्न कंपनी ने नहीं दिए हुए। अभी अगर यहाँ से आगे अगर एक्सपेक्टेड किया जाए कि कंपनी क्या, मतलब कंपनी किस लेवल पे पहुंच सकती है, तो दोस्तों वो यहाँ पे जो कंपनी का जो हाई था वो अराउंड 3,953 के आसपास का था। तो अगर इस हाई को टच करना है तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी को जो है अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और कंपनी का भी बायबैक का भी प्लान चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो जो एक बायबैक की वजह से भी हमें इस शेयर में जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगेन यही है कि कंपनी के जो क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट है उस पे अगर मार्च क्वार्टर एंडिंग में कैसे दिख रही है वो पूरा सब उस पर ही निर्भर करेगा। अगर मार्च में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं आ रहे रिजल्ट्स अच्छे तो फिर यहाँ से डाउन मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।